देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। पहली बात, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए यूजफुल है जिन्होंने जीएस में कुछ ठीक ठाक सा पढ़ रखा है, जो अपना सीएचएसएल का पेपर देने जा रहे हैं, यानी जिनका पेपर 18, 19, 20, 21 को है, अभी हुआ नहीं है, उनके लिए यूजफुल है। दूसरा, अगर आप इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे हो, मान लो सीजीएल 2023 के लिए देख रहे हो, तो भी आपके लिए जब यूजफुल है जो आपने पहले कुछ पढ़ रखा हो। अगर आप बिल्कुल एक कोरा कागज हो, जैसे पीपीटी का पेज है, अगर आप वैसे हो, तो आप इस वीडियो को देख के कुछ खास मजा उठा नहीं पाओगे, क्योंकि इसके अंदर डिस्कशन बहुत कम है। इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर हैं, हल्का फुल्का कोई एक्सप्लेन कर दिया है, पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया है। इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो है रिविजन। अभी फिलहाल इसमें कितने क्वेश्चन ऐड होंगे ये मैं अभी वीडियो में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जितने भी ऐड हो जाएंगे वो थंबनेल में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बाद बाकी आप पूरा लुफ्त उठा सकते हो। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ और आप जीएस पढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारा कंटेंट अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। इको की सीरीज चल रही है, उसकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। और बाद बाकी जिनको लगता है नहीं सर हम तो देखेंगे, मजे लेंगे, पढ़ेंगे, तो भैया आगे की वीडियो को एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो। तो जरा ध्यान से समझते हुए चलते हैं, एक एक पॉइंट को फटाफट से क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ईयर वॉज द एस्टिमेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो एस्टिमेट कमेटी एक तो सबसे बड़ी कमेटी है, इसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इस कमेटी का जो हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, उसको अपॉइंट जो करता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसके जो चेयरमैन होता है उसका जो साल होता है वो 1 साल का टेन्योर होता है। चौथी बात, इसके अंदर जो आपका ईयर है वो है कौन सा, 1950, 1950, और इस समय इसके हेड है ग्रीस बापत। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर बात। और इसके 30 के 30 मेंबर लोकसभा से आते हैं, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के भला करने के बारे में बात कौन करता है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर की बात करता है, डीपीएसपी वेलफेयर की बात करता है। और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से याद रखना, और ये पूछे जा सकते हैं। एक आर्टिकल 40 है जो कि विलेज पंचायत की बात करता है, ठीक है, और एक आर्टिकल 44 है जो बात करता है यूनियन सिविल कोड के बारे में। ठीक है, अच्छा, यूनियन सिविल कोड लेके पहली बार कोई राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है भारत का जो यूनियन सिविल कोड के ऊपर बात कर रहा है। डीपीएसपी की बात करें तो ये आपका पार्ट 4 में आता है, और डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आता है, पार्ट 4A है इसका, और ये जोड़े गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये आपका 12 से लेकर के 35 तक आता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल 32 याद रखना जो कि रिट्स के बारे में बात करता है, और आपको याद रखने वाली बात है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन सा आर्टिकल, याद करो आर्टिकल 31, जो कि है नहीं, अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया और उसे बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो था ना, उसे लीगल राइट बना दिया गया। अच्छा, प्रियम्बल जो है उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, और ये जो है इसको लेके आए थे कौन, एक तो उठाए गए यूएसए से, और इसको लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। क्लियर है बात यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 220 किस बारे में बात करता है, तो आठ सॉरी 280 किस बारे में बात करता है भाई, तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, और इस समय फाइनेंस कमीशन को लीड कर रहे हैं कौन, आपके एनके सिंह जी। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। उसके बाद आता है बिमटेक, बिमस्टेक जो है, बिमटेक बिमस्टेक एक बेसिकली रॉक कटिंग पूरी पूरी क्या है, पैलियोलिथिकल साइड है, पीरियड के टाइम पर बनी हुई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की वन ऑफ द साइड है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत प्यारी सी साइड है जिसका नाम है क्या, दो साइड से बेसिकली, एक है आपका कन्नौज, सॉरी खुजराहो,
कन्नौज तो आपका उत्तर प्रदेश में, और याद रखना जब कन्नौज का वर्ड आ गया तो मैं आपको बता दूं परफ्यूम कैपिटल भी है वो, ठीक है। और ये है खुजराहो, एक खुजराहो है और दूसरा है सांची, दोनों याद रखना, ठीक है। सांची और खुजराहो दोनों ही बुद्धिज्म जैनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका सीजल मेंस में आया हुआ था, तो मुझे ऐसा होप है कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा अलग अलग भी। तो इसमें एक जो बड़ा नाम है वो तो याद रखना, जो सीमा सीमा पुनिया है, ठीक है ना। सीमा पुनिया जिस गेम से है वो, उस गेम को हम बोलते हैं कि आपका डिस्क थ्रो, क्या बोलते हैं, डिस्क, एक प्लेट टाइप की होती है जिनको नहीं पता, थ्रोवर है। और इनको जिस जो अवार्ड मिला वो मिला आपका अर्जुन अवार्ड। अच्छा, और आपका जो द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर है ये मिला आपको किसके, अश्विनी को। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम जो है वो मिला आपका किसको, ये आपका दिया गया क्या नाम है, जसवंत, सॉरी जसवंत सिंह तेजा को, जसवंत सिंह तेजा को, ये बॉक्सिंग के कोच हैं। और उसके बाद आपका द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपके दिनेश जावरकर को, ये रोहित शर्मा के कोच हैं, ठीक है। कहीं अगर एरर होगा तो एक्सट्रीमली सॉरी, बट मोर और लेस इट्स सेम चीज है। आगे देखो, द एक्ट ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट जो है उसने ही ये बात करी थी कि भाई मुस्लिम्स को मुस्लिम और हिंदू को हिंदू वोट देंगे, ठीक, मतलब मुस्लिम्स की सेपरेट वोटिंग करेंगे। और इसीलिए मॉर्ले मिंटो, यानी मिंटो को, मॉर्ले मिंटो को क्या कहा जाता है आपका, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट। अभी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट वोटिंग होगी। और इस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इज इट ओके टू एवरीवन, चले आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट विटामिन डिस्कवर्ड इन 1987। तो विटामिन B1 जो था वो डिस्कवर हुआ, जिसका नाम क्या था, थैमाइन। थैमाइन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया। आगे देखो, पूछ रहा है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिलीज करती है वो है आपकी UNDP, ठीक है। UNDP इसको रिलीज करती है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, और UNDP 191 कंट्रीज की, और इंडिया की रैंकिंग इस रिपोर्ट में 132 है, ये इंडिया की रैंकिंग है। अब ये बोल रहा है, बहुत ध्यान से मानना, ये बोल रहा है डिक्रीजिंग में, बता दो भैया। तो पहले नंबर पर था स्विट्जरलैंड, और डेनमार्क की जो रैंकिंग है वो थी 6, जापान की रैंकिंग 19वीं है, और नाइजीरिया आई थिंक बॉटम पर है। ये है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपसे टॉप 3 याद रखना बोले, तो एक तो स्विट्जरलैंड, उसके बाद है आपका कौन, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, और तीसरे नंबर पे आइसलैंड, याद रखना प्लीज। आगे बढ़ते हैं, बोले लोएस्ट लिटरेसी 2011। देखो, अगर 2011 सेंसस नहीं लिखा हो और सिर्फ लोएस्ट लिटरेसी पूछेगा, तो प्लीज ध्यान रखना, आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। बट 2011 में जो सबसे पिछड़ा हुआ था वो था बिहार। अच्छा, लिटरेसी की बात आ रही है तो एक छोटा सा पॉइंट और अपने दिमाग में रखना, 8 सितंबर को मनाते हैं हम लिटरेसी डे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, इसी में एक बात और ऐड कर दूं, तो एक ना डे है 11 फरवरी, सॉरी हाँ 11 फरवरी, 11 की 13 है, 11 फरवरी, 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स इन साइंस। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स इन साइंस, ठीक है, ये याद रखना प्लीज। आगे देखो, बोले किसकी डिफिशियंसी की, कमी की वजह से जो आपका एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फ्रॉम वुंड्स, जो आपके जोड़ों से जो खून निकलता है रुकता नहीं है कटने कुटने के बाद, तो वो आपका किसकी वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन के की कमी की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बोले विच वन इज कंसिडर एज द कैपिटल एक्सपेंस। सो कैपिटल एक्सपेंस होता है भाई जो आपके क्या करता हो, जो आपकी लाइबिलिटीज को कम करता हो और असेट्स को ज्यादा करता हो, ठीक है। इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ
स्कूल, जबकि पेंशन, पेमेंट ऑफ सब्सिडरी और सब्सिडरी सैलरी वैलरी जो सब कुछ है, ये आपका आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, बजट के अंदर टर्म यूज होता है, बजट डिटेल में देख लेना। अच्छा, बजट की बात हो रही है तो क्योंकि बजट 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 बहुत हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। बजट से अगर क्वेश्चन आएगा तो बजट से एक आर्टिकल याद रख लेना, एक तो बजट का आर्टिकल है 112। ठीक है, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और जो प्रेडिक्टेड रेट है जीडीपी का, वो लगभग 7% के करीब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन 2011। अब फिर से 2011 की जनसंख्या की बात कर दी थी, फर्टिलिटी के भी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं इस अकॉर्डिंग, तो वैसे तो टॉप पर था यूपी। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे इसमें है महाराष्ट्र। सबसे लोएस्ट जो फर्टिलिटी है वो केरल की है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल बायोडायवर्सिटी, और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है दिस क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज देखो, एक तो इंडिया लाइफ को, एनवायरमेंट को लेके बहुत कुछ कर रहा है। जैसे सीओपी यानी क्लाइमेट चेंज पर पेरिस वाला जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है, 2023 वाला, 22 वाला, वो आपका कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, और 2023 वाला जो हो रहा है वो कहाँ पर होगा, वो दुबई में हो रहा है। एक बात ये, दूसरी बात, इंडिया मान के बैठा हुआ है कि भाई हम 2070 तक क्या कर देंगे, कार्बन इमिशन को जीरो कर देंगे। अच्छा, इंडिया का गोल है, इंडिया लेके आया लाइट मिशन, इंडिया लेकर क्या आया E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, ये सारी चीजें लेकर क्या आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इंडिया में ही, अभी मैंने आपको डीपीएसपी के बारे में बताया, एक आर्टिकल है जिसका नाम है 51, जो बोलता है हम इन्वायरमेंट को 50 है या 51 है, 51 तो शायद 50 होगा आई गेस, आर्टिकल 50 है 51 है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो फॉरेस्ट को क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी में कौन सा आपका भाई, 2003 को 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2003 में भैया इसको क्या बना दिया गया, एक ऑटोनॉमस स्टैचुरी बॉडी बना दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस स्टैचुरी बॉडी, मैं समझा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि ये कानून के दायरे में आती है चीज। ठीक है, अब इसका अपना एक वजूद है, एक आर्टिकल के अंतर्गत चल रही है, एक एक्ट के अंतर्गत चल रही है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई ये जो है वो छोकरा जवान ने गाना सुना है ना तुमने, जब लड़की डिपेंडेंट हो जाए, पैसा वैसा इंडिपेंडेंट हो जाए, पैसा वैसा कमा रहे हो, तुम्हें नौकरी लग जाए, तो तुम ऑटोनॉमस बॉडी बन जाओगे, है ना, स्टैचू बन जाओगे शादी के बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। द टर्म चेकमेट, चेकमेट वैसे तो जिंदगी में भी होता रहता है, बट चेस के अंदर यूज होता है, कोई हॉकी में टिक कर देना, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई गलत करके आया कि व्हाइट बॉल कहां पर होती है, व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कहां पर होती है भैया। ठीक है, मैं एक आंसर की चेक कर रहा था एक बच्चे की, तो उसमें बैड रैकेट जो होता है, ठीक है, उसमें भैया बैडमिंटन की जगह कुछ और लिखा हुआ था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा रूल वाला जो गेम है वो फुटबॉल है, आया हुई क्वेश्चन है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। हॉकी की बात करिए तो याद रखना, उड़ीसा जो है, ठीक है, उड़ीसा जो है आपका इस साल का क्या करा, उसने मेंस हॉकी को हेल्ड करा था। ठीक है, आगे चलो। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉरी शास्त्रीय एकेडमी का अवार्ड फॉर नॉन फ्रिक्शन, पहले तो फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन वर्ड आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फ्रिक्शन हुआ है कि मेरे सपनों की रानी, फ्रिक्शन हाँ, नॉन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हाँ, मेरे सपनों की रानी कब तुम आओगी, सपनों में बात होगी। नॉन फ्रिक्शन इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन अ रियालिटी, ओके, सो अ डार्क एरा इट्स बुक विच इज बेस्ड ऑन दी ब्रिटिशर्स करतूत, ब्रिटिशर्स ने जो नाश पीटा देश का, एंड डेफिनेटली दिस बुक इज रिटन बाय दी शशि थरूर। शशि थरूर की एक और बहुत बेहतरीन किताब है, वह है वाई आई एम हिंदू। वैसे इस वीडियो को आपको टेंशन, मतलब आपको 1.25 पे चला के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या 1.5 पे भी चला के नहीं देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है कुछ बच्चों को 0.75 पे चला के देखना पड़ेगा। ठीक है, बट स्टिल इट्स बी अ गुड थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। उसके बाद आता है भाई आपका, बोलते हैं शाम्भू महाराज जो है, ठीक है, उनको पद्मश्री मिला था। वो पूछा कि उनके किस चीज के लिए, तो भाई वो बहुत अच्छे मतलब कथक के डांसर, और कथक नॉर्थ इंडिया का, इसका नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। आगे देखो नेक्स्ट, कुचिपुड़ी केरल का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का शायद भरतनाट्यम है, ठीक है, चलो, और मणिपुरी तो मणिपुरी का है ही।
बोला हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वुमेन क्लासिकल डांसर इंडिपेंडेंट टू नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। चाहिए नॉमिनेशन के लिए कितने 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। एक बात, दूसरी बात, ये नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से। अच्छा, और रुक्मिणी देवी अरुंदल जो है ये आपकी क्या है, पहली राज्यसभा की वुमेन है जिनको नॉमिनेट करा गया था। फर्स्ट वुमेन की बात आ रही है तो सरोजनी नायडू का भी नाम याद रखना। अब मैं आई है बात तो मैं बता रहा हूँ, सरोजनी नायडू का भी नाम याद रखना क्योंकि वो थी फर्स्ट वुमेन। हाँ, मुझे पता, तुम लोग याद आ गया। INC की, विच फ्रॉम इंडिया, इंडियन 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 इंडियन, वैसे एनी बेसेंट थी प्रेसिडेंट, ठीक है। और INC की एस्टेब्लिशमेंट भी याद रखना, AD-85 पेपर में पूछ देगा तो, ठीक है। और मुस्लिम लीग की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1905, बहुत बढ़िया। 1906 है ना, ढाका में हुई थी ना, 1906। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट टू द सिंगल हेडेडली मेकिंग द संतूर एज अ पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है किसको? शिव कुमार शर्मा जी को। संतूर भी एक बजाने वाली चीज होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। तो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नॉट डिस्क्रिमिनेट, किसी को उसके रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 बोलता है लॉ सबके लिए बराबर है, इक्वल है। ये हमारा कौन बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है भैया? कि आप किसी का क्या नहीं कर सकते हो, शोषण नहीं कर सकते, एक्सप्लोटेशन नहीं कर सकते, ये सब ना। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? राइट ऑफ टू स्पीच एक्सप्रेशन। इसके अंदर टोटल 6 राइट दिए गए हैं, तो ये बात भी दिमाग में रखनी है आप। क्लियर है बात यहाँ पर? चले, उसके बाद बोलता है क्या कि आगे देखते हैं जरा। तो द रोड ऑफ द अहेड वाली जो बुक है इसको लिखा है आपके बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ने भाई पैसा तो खूब बना लिया है, अब वो बना रहे हैं दुनिया को, मतलब बेहतर बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है फाइंड द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोमेथेन। और भाई मीथेन आपको पता है इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैस मतलब होता है जो भैया बिल्कुल ग्रीन नहीं फैला, ठीक है। रियलिटी में कार्बन इमेजिन के पीछे यही शक्तिदूत लगे हुए हैं। और इसका फॉर्मूला है Cs3NO2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है विच स्टेट हैज रिसीव द फर्स्ट प्राइज फॉर द बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म। तो भैया बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म के लिए जो प्राइज गया है वो गया भाई उत्तराखंड को। केरल जो है वो काम कर रहा है वुमेन टूरिज्म के ऊपर, वुमेन टूरिज्म को इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है। इंडिया में टूरिज्म के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 2400 करोड़ रुपए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, डिजिटल डीलक्स भारत चलाई गई है ट्रेन, ठीक है। आपका 7वीं या 8वीं क्या कर दी गई, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। तो टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की काम करा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत। तो भाई ये नन अदर देन केरला है। इसमें भी एक बात याद रखना, केरला ना सिर्फ डिजिटली लिटरेसी ग्राम पंचायत बना, जबकि केरल के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी वाला पहला डिस्ट्रिक्ट भी बना। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट भी बनाया हम लोगों ने, कोल्लम करके है, कोल्लम। अच्छा, एक और बात ध्यान रख सकते हो आप लोग, फर्स्ट फर्स्ट की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मोधरा करके डिस्ट्रिक्ट है। और ये है आपका पहला फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जो 24/7 चल रहा है सोलर, ठीक है, सोलर पावर प्लांट पे। बिहार ने इंडिया का सेकंड तैरता हुआ रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है। कर्नाटक में आपका तैरता हुआ क्या बनाया हमने? ब्रिज बनाया है, ठीक है, याद रख पाओगे। हरियाणा ने आपका क्या करा है? हरियाणा ने कुछ तो खास करा ही था। हाँ, हरियाणा में वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्या बनाई है भाई हम लोगों ने? सफारी बना दी है, पहले दुबई में थी, अब हरियाणा के अंदर है, ठीक है। आगे चलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5G लॉन्च करा था। जो मोबाइल कांग्रेस हुआ था तो किस सिटी में हुआ भाई है? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर हुआ था, जिसको जो कोलैबोरेशन जियो के साथ, रिलायंस के साथ मिलकर के करा गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन,
ठीक है, और नोकिया भी था शायद इसके साथ, सॉरी नोकिया भी था, ठीक है। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लॉन्च ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट, और ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जबकि फुटबॉल के अंदर सबसे बड़ा जो स्टेडियम कैपेसिटी वाइज बनाया गया वो बनाया गया उड़ीसा के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते, इंडिया रैंक एट द फर्स्ट टाइम इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक है 40, से पहली बार है टॉप 40 में, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप किया किसने? स्विट्जरलैंड ने, ठीक है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट बिकम द 5G इनेबल एयरपोर्ट, तो वो है आपका न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। अच्छा, कोचीन एयरपोर्ट एकमात्र एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से 24/7 पूरी तरीके से फुल्ली किससे चलता है? सोलर पावर प्लांट से, पावर प्लांट से, ठीक है। अच्छा, हैदराबाद, मैं एयरपोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, दो नहीं तीन याद रखना इसके अंदर पॉइंट। एक तो आप याद रख सकते हो हैदराबाद के अंदर क्या है, कि हैदराबाद ने भारत में पहली बार क्या ई फॉर्मूला रेस हुई थी उसको होस्ट करा है। दूसरी चीज, हैदराबाद में बनाया है गोल्ड एटीएम ऑन करा है हमने। अच्छा, तीसरी बात, हैदराबाद का एक डिश है हैदराबादी हिलम या हिलम, हिलम करके डिश है, वो बेसिकली दलिया वलिया मीट वगैरह मिला के बनाया जाता है, हलीम करके साथ डिश है, उसको मिला है बेस्ट जीआई फूड के टैग, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज रीनेम्ड एज द शहीद भगत सिंह, तो भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट देते हुए चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज करके ये कर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अंबेडकर जी के ऊपर, अंबेडकर अलाइव, अंबेडकर जी कौन है ये तो खैर मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट अंबेडकर जी के बारे में एक बात याद रखना, 26 नवंबर को इनको ट्रिब्यूट देते हुए ये मनाते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। यही सर जी हैं जिनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या करा है भाई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और अंबेडकर जी की एक बुक है धर्मा, बेसिकली जब अंबेडकर जी बहुत दुखी हो गए थे पूरे सिस्टम से, तो उन्होंने आखिरी समय में क्या कर लिया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कि कास्ट सिस्टम से बहुत ऊपर है, ठीक है। तो शशि थरूर ने ये किताब लिखी है, ये भी ध्यान रखना। विच कंट्री बीट द चाइना, और इसे आपका FBI यानी आपका बास्केटबॉल जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, और इसको जीता है किसने? USA ने, और ये जीता है 11वीं बार इस टाइटल को, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, विच वर्जन ऑफ द युवा युवा स्कीम, अब ये युवा स्कीम है क्या, तो बेसिकली यूथ को, जो यूथ ऑथर है, ठीक है, उसको क्या करने के लिए, एम्पावर करने, अब यूथ मतलब जो अंडर 30 है, उसको पैसे वगैरह की मदद की जाएगी, उसकी बुक पब्लिश, फर्स्ट बुक पब्लिश करने में गवर्नमेंट मदद करेगी, और ये इसका सेकेंड एडिशन है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड हैबिटेट डे, अब वर्ल्ड हैबिटेट डे में अगर सीधा ये पूछा है तो थोड़ी सी आपकी रीजनिंग लगेगी, अदरवाइज ये मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, और इस बार जो अक्टूबर पड़ा है वो 3 अक्टूबर को पड़ा है मंडे, ठीक है। अच्छा, अप्सरा करके एक पेंशन स्कीम चलाई गई जिसमें 200 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए तक मिलेगा, और ये है तेलंगाना की स्कीम, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च सत्यनिष्ठा, ये बेसिकली आपका किस चीज को ले, क्राइम एक्टिविटीज वगैरह को रोकने के लिए स्टेट पुलिस ने चलाया, किस स्टेट पुलिस ने? हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने इसको चलाया है। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट गति शक्ति पोर्टल, तो ये बेसिकली गति शक्ति है क्या, तो याद रखना ये आपका ट्रांसपोर्टेशन से डील कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से डील करने के लिए बजट में पेश किया गया था 2021-22 में, और ये सबसे पहले गुजरात में, और गुजरात में ही बनाई जा रही है, कौन सी आपकी, गिफ्ट सिटी, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट, उसके बाद है, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज गया है किसको, एनी को। एक बात ध्यान रखना, एनी जी से एक बात याद रखना, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसमें से एक तो बुक है अ वुमेन स्टोरी, अ वुमेन स्टोरी, एक इनकी बुक है अ फ्रोजन वुमेन, अ फ्रोजन वुमेन, ठीक है, तो कई सारी बुक्स हैं, तो बट इनका नाम याद रखना, लिटरेचर का अवार्ड काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है वो इशू कर रहा है आपका RBI, कुल मिला के जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, कुछ उसी तरह की करेंसी है, पर ये डिजिटल चलेगी पूरी की पूरी, और ये एक लीगल करेंसी होगी, यानी इंडिया में आप चाय वाला दूध वाला सबको देकर के इससे कुछ ना कुछ
खरीद सकते हो, क्लियर है बात। कई बार तो पेपर में अभी मतलब यूके पीसीएस में सिर्फ नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ रही थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया NPCI जो है, ये भैया क्या करता है, पेमेंट को देखता है। 2008 में स्टेब्लिश करा गया था, यूपीआई यूपीआई जो भी है सब कुछ है ना, उसको यही देखता है। ठीक है, नीति आयोग रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन की, ये बात तो खैर तुम सभी को पता होगा। ठीक है, छोटे बच्ची हो क्या जो ये पता नहीं है। कुन्नू नेशनल पार्क रिजल्ट में है भैया, एक तो लेटेस्ट में से एक है, एक तो नेशनल पार्क में से एक ही, मतलब ऐसा नहीं है अभी बना है बट हाँ हो गया, पर सबसे छोटे नेशनल पार्क में से एक भी है। उसके बाद यहाँ पे चीते आए थे साउथ अफ्रीका से, थोड़ा थोड़ा लोनली फील कर रहे हैं अभी, सुना है कि ये लोग मतलब गुलजार साहब के गाने सुन रहे हैं, तो यहाँ पे ये दुनिया ये जमीन हमारे काम की नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने तो चीते मार दिए तो 1950 से ही खत्म कर दिए थे, तो हमें मंगाने ही पड़ेंगे अब, है ना। और ये जो है ये कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बाद आते हैं भैया, बोल रहे नोबेल प्राइज दिया है पीस के लिए, पीस के लिए। अच्छा, पीस के लिए सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था मदर टेरेसा जी, ठीक है ध्यान दो। तो इन तीनों लोगों को मिला, पहले इन तीनों लोगों ने आपस में लड़ाई भी करी, फिर इन्हें शांत भी करा, इन्हें अवार्ड भी मिल गया। एक तो रशिया के ह्यूमन राइट ग्रुप को, उसके बाद यूक्रेन की सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को, और बैरोक्सियन एक्टिविस्ट हैं भैया कौन आपके, एलिस, इनको मिला, इन तीनों लोगों को मिला। और ये पूरी कहानी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई पर ही है, तो ऑल ऑफ दी अबव मान लेना। ठीक है भैया, अच्छा, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पैरिटी 2022 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च करी है। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर का नाम याद रखना, कौन से नंबर के डायरेक्टर है ये भी याद रखना, 13th नंबर के डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर का नाम है डेविड मालपास। बचपन में किसी ने बोला भाई मालपास कर देता, थोड़ा समझ रहे भैया। अच्छा, SBI के बचपन का नाम पूछ देगा तो याद रखना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का घर पूछ देगा तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। ठीक है, और रिजर्व बैंक का पूछ देगा तो याद रखना, मुंबई, आपची मुंबई। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का पूछ देगा तो पता नहीं दोगे क्या, मैं ये बताऊँ क्या, वॉशिंगटन DC। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट 35th समर ओलंपिक गेम 2032, तो 32 वाला जो गेम है वो होस्ट कर रहा है कौन, यार ये तो मेरे दिमाग से निकल गया, चाइना कर रहा है क्या, पता नहीं यार जेनरली भूल गया बच्चों, कौन कर रहा है ये, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है क्या। देखो ब्राजील ने तो 2016 का करा था, लॉस एंजलिस में अभी हुआ था, नहीं होगा 2000, हाँ 2028 का, 2024 वाला यूएस ने कर लिया, चाइना बीजिंग में हुआ था 2012 में, शायद ऑस्ट्रेलिया कर रहा होगा, यार मैं सच में भूल गया सॉरी बच्चों, मेरे दिमाग से निकल गया, एक बार प्लीज चेक कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत माफी इसके लिए, सॉरी सॉरी, लिटरली मेरे दिमाग से निकल गया है। देखो आगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत अच्छी किताब है एलिजाबेथन, और बहुत सारी चीजों के ऊपर ये बात करती है। ये बुक जो पब्लिश हुई थी आई गेस 1898 में अप्रोक्सीमेटली, और इसको जो लिखा है ने लिखा है जेन एस्टन ने। ठीक है, अच्छा, पद्मश्री आनंद शेखर जयंत जो है इन्हें भैया बहुत सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूट करा है इनका, और इनका जो ट्रिब्यूट है वो है किसके अंदर, सॉरी मैडम है, इनका ट्रिब्यूट किसके अंदर है, तो ये है आपका, एक तो कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती है, तमिलनाडु से है ये। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क, तो मिल्क के अंदर से जो भी गंदगी होती है उसको निकालने का काम करता है कॉलम क्रोमोटोग्राफी। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद आता है कि भाई जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है वही दे रहा है, यानी लीगली जिसके ऊपर इम्पोज होगा वही उसका इम्पैक्ट लेगा, तो इस टैक्स को हम बोलते हैं भैया क्या आपका, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है, और ध्यान रखना ये जो दोनों नीचे लिखे हैं छुपे हुए रिश्तों में, ये इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। हालांकि अब वैट नहीं लगता है, वैट ऑप्ट करा यूएई ने, इंडिया का वैट ही ऑप्ट करा यूएई ने, जीएसटी जो है वो सबसे पहले, जीएसटी जो सबसे पहले जिस राज्य ने ऑप्ट करा था वो है आपका कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड ही तो है शायद। ठीक है चलो, सॉरी असम है, असम है, सॉरी 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 असम। ठीक है, आगे देखो जरा, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दी अमेंडमेंट प्रोसीजर, तो अमेंडमेंट जो है वो डील करता है आर्टिकल 368, और ध्यान रखना बच्चों तीन तरीके की आपकी
क्या सॉरी, तीन तरीके से आपकी अमेंडमेंट होती है। एक होती है 1/2, एक होती है 2/3, एक होती है 2/3 प्लस 1/2 by state। तो जो 2/3 और 1/3 के अंदर आता है ना, ठीक है, याद रखना वो आपका आर्टिकल 368 के अंदर आता है। 1/2 को आर्टिकल 368 के अंदर कंसीडर नहीं करते। ये बात वही बच्चा समझ पाएगा जिसने जिसने अमेंडमेंट को पढ़ा है, ठीक है। आगे देखो, वेयर इज द ग्रीन पार्क, तो भैया ये उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश में है तो इसका मतलब कहाँ पे, कानपुर के अंदर है, ठीक है। बेंगलोर किस लिए भाई, बेंगलोर में सबसे बड़ी चीज तो है इसरो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखो, गुरु विपिन सिंह, ये बहुत बढ़िया आंसर है। और संगीत नाट्य एकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1966 के लिए। और याद रखना कौन सी, मणिपुरी, मणिपुरी डांस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक, तो भैया रिपब्लिक के लिए हमने बुलाया था अब्दुल फतेह अल सीसी। अब अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये किसके प्रेसिडेंट है, बहुत बढ़िया बच्चों, इजिप्ट के, ठीक है। अच्छा, 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो भैया देखो जो आपका नागालैंड है वो मनाता है, एक बात तो। दूसरी बात, नागालैंड आजाद हुआ, एक आजाद कह रहा हूँ कि भारत में राज्य के तौर पर जुड़ा 1 दिसंबर 1961 में, 61 63 में, ठीक है। और ये जुड़ने वाला था, 16th राज्य बना भारत के अंदर। तो इसी 1 दिसंबर से ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मतलब स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है सभी को? चलो देखो भाई, ये अभी जो है, मतलब मैं एक सेकंड में थोड़ा सा लाइट अप कर देता हूँ आप सभी लोगों को। ये जो अभी आप देख रहे हो इसमें है 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है वो ये है, तो मैं 50 क्वेश्चन दे दूं आपको, या फिर मैं 100 क्वेश्चन दे दूं। अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। आप जिस तरीके का मुझे नीचे फीडबैक दोगे कि ऐसी रिवीजन वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, थोड़ी सी क्विक रहेगी, बट आपको क्वेश्चन कितने चाहिए आप बताओगे। अगर आप यहाँ तक पहुंचो तो डेफिनेटली यू लाइक इट। 2032 में कहां पर होगा भाई, ये कमेंट कर देना। लिटरली आई जस्ट फॉरगेट, मैं ऐसे चुपके से गूगल से ढूंढ सकता था, बट फिर वो ना स्पीड कम हो जाती तो पता चल जाता सर ढूंढ रहे हैं। इसलिए प्लीज कहीं पर देखो, क्योंकि जब इतना कुछ अचानक से जल्दी 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 पढ़ाते हैं ना, तो कई बार कहीं पर कुछ गलत हो जाता है थोड़ा बहुत। अगर कहीं कोई गलती हो तो एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम आफ्टर ऑल ह्यूमन, तो एरर्स होते हैं, मैं सीखता हूँ आपके लोगों के साथ, तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। परंतु किंतु बंधु, सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने क्वेश्चन डालने, ये 50 क्वेश्चन है। आपको लगता है सर 100 क्वेश्चन की चाहिए, 100 क्वेश्चन डाल दें। आप बोलोगे सर 200 क्वेश्चन की चाहिए, मैं 200 क्वेश्चन की सीट डाल दूंगा। बट देखना आपको पड़ेगा, लाइक आपको करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तक के लिए सभी लोगों को अपना ध्यान और अपने पेपर के लिए बेस्ट ऑफ। देखो भाई, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन जो बच्चे मेरे पेड क्लासेज में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ मैं, तो जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे बता रहे हैं मेरे को सब 25 में से 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ठीक है, आपके पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर से मिल जाएंगे। ये आखिरी टाइम का चूरन होता है, चूरन का बस एक ही काम होता है, या तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना देता है, नहीं तो कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो हम स्वादिष्ट बनाने की उम्मीद लगे आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो मजे करो, बढ़िया है, ठीक है। टेक केयर सेल्फ, बाय, ध्यान रखो, और अच्छे से पेपर देके ना, नर्वस आना मत बिल्कुल भी, घबराना तो बिल्कुल मत, बढ़िया करके आओगे, मुझे तुम तो पूरा भरोसा है।